के संजीव जुलेरिया जी, लाल सिंह कौशल जी, हमारे सभी सम्मानित साथीगण और मेरे छोटे भाई जिनको मैंने कहा, मेरे से बार बार अनुरोध करते थे कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में आना। जीवन ठाकुर जी, हमारे मैं माफी चाहूंगा, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी जी बैठे हैं। इस सरकार की तरफ से लिस्ट आती है, इसमें सरकार भी पीछे से आई है। और दूसरे हमारे पवन ठाकुर जी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के सरकार घाट से उम्मीदवार थे, जगदीश रेड्डी जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान बुजुर्ग साहबान, प्रेमनाथ जी, गुलेरिया जी, चंद्रशेखर शर्मा जी जो हमारे समय के थे, हमारे सभी चौहान साहब, राकेश दरबार जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, भंडारी जी, संजीव भंडारी जी, बीना जी, सब लोग, महिला कांग्रेस सदस्य, युवा कांग्रेस, सब बुजुर्ग साहबान, और सबसे बड़ी जो आप दो तीन घंटे से हमारी माताएं, हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं, यहाँ के बुजुर्ग, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जीवन ठाकुर जी को एक बार चुनाव लड़ने का हमने मौका दिया। उस समय जीवन ठाकुर जी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे चुनाव में आए जीत पाने का दम हमेशा रहेगा। मैंने कहा पार्टी के लिए काम करिए, समय आएगा और जो व्यक्ति काम करता है, जिसके मन में आम लोगों के लिए दर्द होता है, भगवान भी आने वाले समय में उनका साथ देगा। और मुझे खुशी इस बात की है, जब भी मुझे मिलते थे जोगिंदर नगर के कागज हमेशा हाथ में थामे रखते थे। कई बार तो तीन तीन घंटे इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि हमारी बैठकों का दौर था और जोगिंदर नगर की जनता इनके साथ आती थी। और जनता का जब दबाव होता है, जो पार्टी का हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इस दबाव को सहन करता और कहता कि नहीं, काम करवा के जाएगा, भविष्य किस और जाएगा, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं है, भविष्य गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जीवन ठाकुर के मन में आप लोगों के लिए दर्द है, पीड़ा है। 22 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे जो आप जैसे परिवार से उठकर, जिसके परिवार में कभी किसी ने राजनीति नहीं देखी थी, और जब हम राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे छोटी उम्र में, माता पिता ये कहते थे कि नौकरी कर लो, आपका गुजारा हो जाएगा। उस समय मेरे मन में हमेशा से राजनीति करने की लालसा रही। और जब 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री के तौर पर मैं जब रिज के ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ले रहा था, मेरे मन में आप लोगों की पीड़ा हमेशा से एक परंपरा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पदों पर बैठे होते हैं प्रशासनिक, वो आपको सचिवालय में स्वागत करते हैं। मैंने पहले ही दिन कल से कहा था, हम राजनीति में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और मैंने उस व्यवस्था को तोड़ा और सबसे पहले मैं अनाथ आश्रम गया, उन अनाथ बच्चों के पास गया जिन अनाथ बच्चों ने अपनी माता को खोया है, अपने पिता को खोया है।
उनकी पीड़ा को देखा, उनके खाने के मैस को देखा, उनके रहने के ढंग को देखा। उन बच्चों ने भी सोचा और अधिकारियों ने भी सोचा कि ये मुख्यमंत्री बने हैं सहानुभूति प्रकट करने के लिए ये गए हैं। और कई बार मंत्री जाते हैं फल बांट कर आ जाते हैं, कई विधायक जाते हैं फल बांट कर आ जाते हैं, पर उन बच्चों की संवेदना को नहीं देखा। मैंने उन बच्चों की संवेदना और भावना को पढ़ा और मेरे कलम से पहला काम समाज के उन बच्चों के लिए हुआ जो बच्चे अपनी मां को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। उनके लिए मैंने हिंदुस्तान का पहला कानून मुख्यमंत्री सुखाचार्य के रूप में ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उन बच्चों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। आज इस रैली में आया हूं, चाहे जीवन जी है चाहे प्रकाश जी है, मांग होती है, यूनियन के लोग मांग करते हैं। और मैंने पाया कि अगर एक महीने का बच्चा भी अगर अनाथ हो जाएगा, उसके माँ बाप अगर एक्सीडेंट में खो जाएंगे, उसका पूरा ख्याल सरकार रखेगी, एक नर्स देगी और उसको जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता पूरा ख्याल रखेगी, और सरकार उसके पूरे खर्चे वहन करेगी। जब बड़ा हो जाएगा तो अच्छे शिक्षा संस्थान में पढ़ाएगा, और हर महीने 2,500 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा। मैंने पाया कि उसमें कुछ कमियां हैं, 18 साल के बाद वो अनाथ बच्चा कहां जाएगा। नियम ऐसे थे कि 18 साल के बाद जब बच्चा बड़ा होकर अपने जीवन के दूसरी पड़ाव में पांव रखता है तो किस दिशा में जाएगा। हमने कहा कि 0 से 27 साल तक जब तक उसकी पूरी पढ़ाई नहीं हो जाती, पीएचडी तक नहीं हो जाती, सारा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। और 18 साल के बाद अगर कोई बच्चा अपनी माँ बाप को खो चुका है, जोगिंदर नगर कॉलेज में पढ़ने भी जाता है, तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हॉस्टल में रहने का खर्च सरकार उठाएगी, और 4,000 रुपया महीना पॉकेट मनी देगी, कपड़ों के लिए सर्दी में अलग पैसे देगी और गर्मी में अलग पैसे देगी। और जिस तरह अपने परिवार के बच्चों को हम देवी देवताओं के दर्शन करवाने के लिए जाते हैं या बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं, हमने कहा कि जिस तरह इन्हें बाई एयर की सुविधा मिलेगी और 3-स्टार होटल में रहने की घूमने की सुविधा मिलेगी। 25 साल की उम्र है अगर उसकी शादी होती है, 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा और 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए मिलेगा। यह हमारी पहली योजना। इस बार हमने दूसरी योजना लाई। कितनी बहनें हैं जो विधवा हो चुकी है, अपने पति को खो चुकी है, और ऐसा आशा भी नहीं रहती कि कभी पति सुबह गया शाम को घर ना आए, दुर्घटना होगी, उनकी मृत्यु होगी। बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, एकदम कमाने वाला घर चला जाए। हमने उन बहनों के लिए, विधवा बहनों के 23,000 बच्चे 3 लाख की आय जिनकी है, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा जो विधवा बहनें हिमाचल प्रदेश की सरकार लाएगी, जिस नीति को हमने भी लागू कर दिया। अगर बच्चे बाई चांस हॉस्टल चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, उनके पीजी का 3,000 रुपए का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। ये हम उसको योजना उनके लिए लेकर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे को अभी 22 महीने हुए हैं, 22 महीने में हमारे सामने चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास थी, प्रदेश का खजाना खाली था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी, वो आपका पैसा था। राजनीतिक लाभ के लिए
उन्होंने संस्थान खोल दिए, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया। मैंने जब उसका आकलन किया, पहले वर्ष मैंने फैसला नहीं किया, और जिस दिन मुख्यमंत्री मैं बना, इस प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ एक महीने का पैसा था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया है। इस प्रदेश की संपदा को दोनों हाथ से लुटाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। हमने उन दरवाजों को बंद किया। 10-10 लाख रुपए का इनकम टैक्स दिया जाता है, 1-1 करोड़ का इनकम टैक्स दिया जाता है, बड़े बड़े होटलों को सब्सिडी दी जाती है। जिस होटल का टर्नओवर 5-10 करोड़ में चलता है, कहा 1 रुपया यूनिट बिजली का इनको भी हम माफ कर देंगे। हमने फैसला किया, बड़े बड़े माल बने, एक दिन की कमाई 1 लाख रुपया है। उन सब से हमने अभी तक कमर्शियल से हमने बिजली की सब्सिडी को खत्म किया। आम आदमी पर हमने कोई बोझ नहीं बनने दिया। पानी का बिल माफ, और आपको बताऊं उसका नुकसान क्या हुआ है। क्वालिटी हमारी गिर गई। आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिक्षा का पहले मैं हाल बताना चाहूंगा, आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं, आम स्कूल में पढ़ के आए हैं, लेकिन उसमें मास्टर पढ़ाते भी थे और हम पढ़ते भी थे। हुआ क्या, क्वालिटी एजुकेशन में आज हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में 21वें स्थान पर पहुंच गई। कैंसर के रूप में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर बनने जा रहा है। क्वालिटी वाटर तक नहीं दे सके। संस्थान खोलना तो नोटिफिकेशन है। मैं जीवन जी को भी कह रहा था, अगर मैं अच्छा हॉस्पिटल देके आपको अच्छे डॉक्टर दूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नोटिफिकेशन यहां खोल दूं, एक दूसरी जगह करूं, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर उस हॉस्पिटल में भेज दूं, इस हॉस्पिटल का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और दूसरा जो खुला उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने संस्थानों को मजबूत करने की कोशिश की, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारी नीतियों से, हमारे जो बजट में कहा था, हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होने की स्थिति में आ चुका। और यह कोई गोराई नहीं है, हम अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे, हम कड़े फैसले करेंगे। उन फैसलों से हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को लाभ होगा। जोगिंदर नगर की बात करना चाहता हूं। जीवन जी आए, मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा, जीवन जी ने मुझे बताया कि भूगुजोर टनल का निर्माण होना चाहिए। पठानकोट बंडी रोड बन रहा है, मैंने उस बात को उठाया है, और मुझे उम्मीद है अगर जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाके कहीं रुकवाए ना, तो भूगुजोर टनल का काम भी जल्दी हो जाएगा। एक और कहना चाहता हूं, 5 साल जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, 2 लेन था, मंडी से लेकर पठानकोट में बीच बीच में 2 लेन था। हमारे साथ मीटिंग हुई, ये मत सोचिए कि दिल्ली वाले देते हैं। दिल्ली वालों के पास हमने जब मांग रखी कि ये 2 लेन नहीं होगा, एक जगह 70 की स्पीड हो जाएगी और दूसरी जगह आगे भी स्पीड बड़ी कम हो जाएगी, एक्सीडेंट होंगे, अब ये सारा का सारा हम 4 लेन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 4 लेन होगा, आपके यहां टूरिज्म के नए आयाम स्थापित होंगे। साधन प्रोजेक्ट, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मैंने पैसे दिए, इतने साल से लटका हुआ है, उल चरण का 3 महीने इस नवंबर में डैम भर जाएगा और उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। हमने कहा शानन प्रोजेक्ट हम लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट है, हिमाचल के लोगों का प्रोजेक्ट है, हम उस अधिकार को भी लड़ने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। बड़े से बड़े वकील हमने खड़े किए हैं, हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
किसान गांव में बैठा है उसको धरने मिल रहा, गांव में बैठी हमारी माता है वो हमारी संपदा का कुछ ही भाग ले पा रही है 10%, किसान गांव में बैठा हुआ लोग 10-15% इस संपदा का फायदा उठा पा रहे हैं। मैंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, हम गांव के लोग हैं, पशुधन हमारे पास होता है, अगर मैं दूध बेचना चाहूं तो मेरा दूध मूल्य पर उस मूल्य पर नहीं मिलता, हमने दूध के मूल्य में 45 रुपए किलो गाय का और 55 रुपए किलो भैंस का दूध, अगर जनता उसको बाजार में महंगा बेचती है नहीं तो सरकार खरीदेगी और सरकार उसको खरीदेगी, और हम 45 रुपए के हिसाब से गाय का दूध खरीद रहे हैं और जनता को पैसा बांट रहे हैं। अगर आप गाय के गोबर से पैदा की हुई खेती करेंगे, हम गेहूं 40 रुपए खरीदेंगे और मक्के 30 रुपए खरीदेंगे, ये हमने बजट में घोषणा की। किसान के हाथ में पैसा कैसे आए उस दृष्टि से भी हमारी सरकार आगे काम कर रही है। 2-3 सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होने लगेगी और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2027 तक हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव हमने रखी है, 2 बजट हमने रखे हैं, दोनों बजट में हमारी जो नीतियां हैं उसमें फैसले का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। यही नहीं कई और बदलाव हुए हैं, अधिकारी फील्ड में नहीं जाते हैं, अभी मैंने एक बैठक की है और अब कहा है कि अधिकारी अब फील्ड में जाएंगे, कई कई सालों तक आपके इंतकार नहीं होते थे, कई साल लग जाते थे इंतकार करने में, अभी पीछे हमारी 4 महीने के बाद अब मैंने दोबारा मीटिंग की है, दुरुस्ती के लिए मीटिंग की है, डिमार्केशन के लिए, तहसीलदार के पास बेचारा आम आदमी खड़ा रहता था, अधिकारी नहीं होता था, फिर तहसीलदार को तलब कर लाना नहीं तो पटवारी से डरा के भेज देता था, अभी मैंने उसमें और बदलाव करना है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो ACR लिखी जाएगी उसमें किसने कितनी दुरुस्ती की, कितने इंतकाल किए, उस आधार पर भी, अंकों के आधार पर हम इसमें ACR में भी बदलाव करने जा रहे हैं। पर 40 साल से एक व्यवस्था चल रही है, कई बार लड़ना पड़ता है, कई बार इन चुनौतियों से लड़ने के लिए आप लोगों की ताकत हमारे साथ है। और मैं कह सकता हूं हमारा हिमाचल प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। आपदा आई, 1,50,000 रुपया मकान का मिलता था, अधिकारी आए कहा कानून है हम बदल नहीं सकते, मैंने देखा 1,50,000 में जिसकी जीवन भर की कमाई मकान बनाने में, एक मकान बनाने में लग जाती है, हिमाचल में कोई दूसरा मकान नहीं बना सकता, बड़ी मुश्किल से कोई दूसरा बना देगा, हम सब लोगों का 1 या 2 मकान होते हैं और 1 या 2 मकान बनने के बाद मैंने कहा 1,50,000 में नहीं बनेगा, हमने बदलाव किया और उसके बदले 7 लाख रुपया आपको मकान के लिए, यहां भी कम से कम जो हमारे पास सूचना है सभी लोगों को हमने 3 लाख रुपए की पहली किस्त उपलब्ध करवा दी है। जोगिंदर नगर के सब डिविजन में 33 मकान टूटे 800 और उनको हमने 138 करोड़ रुपया आपको दिया। फिर क्या हुआ, ऑपरेशन लोटस हुआ जो हिमाचल की जनता को पसंद नहीं था, हम अपना बजट रख रहे थे, राज्यसभा का चुनाव आए, जो लोग रात को हमारे साथ डिनर कर रहे थे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बड़े मजे से स्वाद भी चख रहे थे और 12 बजे पता लगा कि वो तो गोटियां लग डाल गई, मैं विधानसभा में, मैंने बोला ये हुआ क्या, उसमें 1-2 तो मंत्री बनना चाहते थे पर मंत्री बनने से ज्यादा जब गांधी जी नोटों के गांधी जी उनके सामने चढ़ गए तो नजर नहीं आया, वो हमको ही छोड़कर चले गए, जब वो हमको छोड़कर चले गए तो हमने बोला अगले दिन बजट प्रस्तुत होना है, उसमें आएंगे, विधानसभा के ऊपर से 1 हेलीकॉप्टर उतरा, दूसरा उतरा और सीआरपीएफ के जवान आ गए और उन्होंने विधानसभा का गेट तोड़ दिया,
और अंदर उनको हमने पुलिस वालों को बोला कि तो रोको, रोका उन्होंने, गेट तोड़कर ऊपर पहुंच गए। अब बोटिंग का समय था, लेकिन लालच बहुत बड़ी बुरी चीज है। उन्होंने बोला बोटिंग से पहले ही हवाई हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कुलदीप सिंह पठानिया जी लॉ ग्रेजुएट है, उन्होंने फैसला किया कि इन्होंने बिप के लगना की 6 को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और 6 को जब डिस्क्वालीफाई किया, 1 महीना प्रदेश से बाहर रहे, पता नहीं किस किस होटल में घूमते रहे, गंगा में नहाते रहे, गंगा भी पार्क मैली कर देने उन लोगों ने तो। और उसके बाद प्रदेश में आए, चुनाव की घोषणा हुई। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह कोई सरकार बचाने के लिए चुनाव नहीं था, यह कुर्सी के लिए चुनाव नहीं था, यह जो हिमाचल के लोगों की लोकतंत्र में आस्था है उसके विश्वास का चुनाव था। उस विश्वास पर अगर किसी ने कुठाराघात किया, उस लोकतंत्र को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने ऑपरेशन लोटस करके आप लोगों की सरकार को गिराने की कोशिश की। हुआ क्या, 6 जगह जिन बेचारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एमएलए बनेंगे, ये भगवान भी ऊपर देखता है। कहते ना भोले का भगवान। मेरी पत्नियां भी खाना बना रही थी घर में, उनको भी दिल्ली से आया कि ये चुनाव भेज सकते, उसने भी कभी सोचा नहीं था वो भी विधायक बन गई और जो लोग और थे वो भी विधायक बन गए, क्योंकि उन्होंने उनकी किस्मत में विधायक बनना लिखा था। ये विधायक बन गए और वो 6 लोग अब बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें देते हैं। पूछना चाहिए उनको कि आप लोग 1 महीना हिमाचल की सीमा के बाहर क्यों रहे, जो बिकता है हिमाचल के लोग उसे कभी माफ नहीं करते, चाहे वो कोई भी। अभी हम इन चुनौतियों से, अगर हमारा सही महीने में कार्यकाल देखा जाए, 4 महीने आपदा के, 4 महीने चुनावों के, 8 महीने, टोटल 14 महीने काम करने का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका पैसा लुटा दिया जाता था, इन 14 महीने में हमने 2200 करोड़ रुपया अतिरिक्त राजस्व आप लोगों के लिए कमाया, आप लोगों के लिए कमाया। और हम, मैं आपको कह सकता हूं, कई चोर दरवाजे हैं, उनको बंद करना पड़ेगा, पर मुझे पता है उसका विरोध मुझे सहन करना पड़ता है, अपने अंदर भी करना पड़ता है, लेकिन मैं आपके साथ कह सकता, मैं दर्द जानता हूं आप लोगों का, मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं, मैं आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना हूं। और मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद दायित्व यह बनता है कि जो हमारी संपदा है समाज के 75 लाख लोगों के पास जाए, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसान को उसका हक मिले, मजदूर को मजबूत मजदूरी मिले। हमने मजदूर मनरेगा में हमारी बहनें काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, कभी नहीं इतिहास में इतने पैसे बढ़े होंगे। मैंने एक ही बजट में 240 से वो पैसे बढ़ाकर 300 रुपया पर डे कर दिया, 300 रुपया पर डे। अभी ये यहां रुकने वाला नहीं, ये आपके पैसे है। कोई सोच सकता था जो गांव में लगी महिला जिसको एवरेज रेट में 240-230 रुपए मिलते थे, ये बेचारे पुलिस वाले खड़े हुए, मैं जब विधायक था 280 रुपए मिलते थे, डाइट मनी के रुपए 8 हट गए, हमने तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर 1000 रुपए दिए। पिछले दिनों हमने अपने ट्रेजरी को सिस्टमाइज किया, पूरे देश में चल पड़ा, एक हमने पे 5 और 10 को दी, पता नहीं हिमाचल का क्या हाल होने वाला है। अरे भाई, 2000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का पे और पेंशन के रूप में जाता, 1200 करोड़ रुपया हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों का पे के रूप में देते हैं, 800 करोड़ रुपया हम पेंशन के रूप में देते हैं, और जो ये बोर्ड और कारपोरेशन के कर्मचारी, ये 50,000 अपना है, अलग से है, 2000 करोड़ रुपया लेते हैं,
3 करोड़ रुपया उस पर इंटरेस्ट देते हैं, 3 करोड़, क्योंकि जो ट्रेजरी है वो आरबीआई के साथ जुड़ी होती है। मैंने कहा यहां हर महीने का 3 करोड़ क्यों दें, ये 36 करोड़ रुपया हम अपने गरीब आदमियों को क्यों ना दें। उसको हमने ठीक किया, दिल्ली से खबर चली, हमने कहा कि पहले 2 महीने अगर हमने अपनी सैलरी को डिले किया है और सरकारी कर्मचारी की पेंशन और उनको डिले करना है तो उसको 5 और 10 दिन डिले करते, तो पहले अपने पर कानून लागू करें। हमने लागू किया, पूरे नेशनल मीडिया में पता नहीं क्या क्या चला दिया, और झूठ बीजेपी इतना अधिक बोलती है, कहां से नाम ढूंढ के लाए कि टॉयलेट टैक्स, पता ही नहीं। मेरे को, मैं दिल्ली गया हूं, मेरे पास सारे टीवी वाले आगे कहने लगे, मैंने कहा तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई नहीं, हमारे तो सबके बाथरूम बने, कोई टैक्स नहीं, सबके बने हुए ना बाथरूम, किसके वहां दिल्ली में चले देश के प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ठीक है, चुनाव है, चुनाव को मुद्दों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने न्याय नाम ढूंढ देते, जयराम जी को भी फट से एक बार स्टेटमेंट देते हैं, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आज आप मंडी के विकास की बात करते हैं, मंडी को दिया क्या, कुछ नहीं दिया, शब्दों से और वाणी से तो सब कुछ दिया लेकिन कर्म से कोई काम नहीं कर पाए। आप हम पर टिप्पणी करते हैं, आप तो मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, कहते हैं कि ये पैसा हमने दिया, आपने नहीं दिया, हम संघीय ढांचे में रहते हैं, जो हमारे टैक्स जाते हैं उस टैक्स का हर महीने हमें शेयर मिलता है, वो हमारा अधिकार है, लेकिन आपने प्रदेश को लूटा। जितने पावर प्रोजेक्ट थे, मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड बना है, पानी हमारा है, हमारा बजट 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए का होल है, होल का मतलब 4,000 करोड़ रुपया है ही नहीं, जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, और ये जो सतलुज जल विद्युत निगम है, एक ही प्रोजेक्ट से हम 58,000 में पहुंचे, वो 67,000 करोड़ में पहुंच गए। मैंने कहा सारे प्रोजेक्ट वापस लीजिए, 2,000 करोड़ रुपया अगर इन्होंने हमारा अधिकार दे दिया, 12, 18, 30 सुन्नी लूरी धोलासी तीनों प्रोजेक्ट को सरकार टेक ओवर करेगी, हम अपनी संपदा को अपनी आंखों के सामने जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं लुटने नहीं दूंगा, और इस संपदा को आपके लिए रखूंगा। अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेंगे, अगर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, आपको सुख मिलेगा। हम 1500 रुपया दे रहे हैं, आगे भी देंगे, थोड़े सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग करने दीजिए। 5 गारंटी हमने पूरी की है और आगे भी सब गारंटी पूरा करना मकसद नहीं है। जोगिंदर नगर में अगर हॉस्पिटल है तो वहां एक अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा के लिए हमें अच्छे शिक्षा संस्थान बनाने होंगे, और इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आज मैं मंडी के बाद कोई पहली रात यहां रुक रहा हूं तो जोगिंदर नगर में रुक रहा हूं। मैं सरकारी कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं, हमारे समय आपको समय के अनुसार डीए भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हमने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी, और उस सरकारी कर्मचारियों के कारण कितनी तकलीफ प्रदेश में हमको झेलनी पड़ी, हमारी लोन की लिमिट कम कर दी गई, हमारे 1200 करोड़ रुपया जो आपने भी अंशदान दिया हुआ और हमने भी अंशदान दिया हुआ, जिसमें 4,500 करोड़ रुपया सरकार का है, वो केंद्र सरकार के पास पड़ा। अगर इतने शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो जाके वो 1200 करोड़ रुपए दिला दीजिए, शुभचिंतक की कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने दम से शिक्षा संस्थानों में सुधार करेंगे, हम अपने तरीके से आपके जो हेल्थ सिस्टम है इसको में सुधार करेंगे, हम जल्दी ही अपने बुजुर्गों के लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं, काफी बदलाव की जरूरत है, 40 साल से ढांचा चला आ रहा है, मैं मुख्यमंत्री बन गया, अगले 5 साल बाद मैंने बदल रही है, ऐसे ही सरकार चलाते रहो, अपना सुख सुविधा